हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जावा फॉर बिगनर्स कोर्स का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको जावा का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। जावा कहाँ यूज़ होती है, किसने जावा डिज़ाइन की थी, डेवलप की थी और जावा से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, जावा एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको जेम्स गॉसलिन ने 1995 में बनाया था अंडर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम। एक पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसका नाम शुरू से जावा नहीं था। इनिशियली इसका नाम ओक था, बट ओक नाम ऑलरेडी किसी कंपनी के थ्रू रजिस्टर्ड था जिसे बाद में जावा कर दिया गया। जेम्स गॉसलिन ने इसका नाम जावा क्यों रखा या उस टीम ने इसका नाम जावा क्यों रखा, क्योंकि इसको डेवलप करते वक्त उन लोगों ने उनकी पूरी टीम ने बहुत सारी कॉफ़ी कंज्यूम की थी। तो जावा आइसलैंड जो है, हमारा जावा आइलैंड जो है, वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एक फ़ाइन कॉफ़ी का, एक बहुत ही अच्छी हाई ग्रेड कॉफ़ी का। इसी वजह से उन्होंने अपने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा रखा। बट जनवरी 27, 2010 में Oracle Corporation ने इस सन माइक्रोसिस्टम को परचेज़ कर लिया। आफ्टर दैट आप जब भी जावा आप डाउनलोड करना चाहेंगे या आप कमर्शियली उसको यूज़ करना चाहेंगे तो आपको Oracle Corporation से उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओके, तो जावा में जो फीचर्स होते हैं, तो जावा 1995 में डिज़ाइन हुई थी जब सक्सेसफुली सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है यूज़ की जाती थी। सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, बट C++ एक पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। बट सी और C++ सिक्योर नहीं थे क्योंकि उनमें पॉइंटर्स का यूज़ होता था जिसमें मेमोरी को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता था प्रोग्राम्स में, जिस वजह से वो सिक्योर नहीं होती थी। तो जावा ने जो है पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट एडप्ट नहीं किया, इस वजह से जावा इज़ वन ऑफ द सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, मेरा पर्सनल परसेप्शन भी है कि जावा एक सिस्टम इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेज है। दैट मीन्स जावा का प्रोग्राम किसी भी प्रोसेसर आर्किटेक्चर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल किया जाए, उसे एग्जीक्यूट किसी दूसरे सिस्टम पे किया जा सकता है। यानी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा हमारी, अनलाइक सी और C++। जावा हमारी इंटरप्रेटर और जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज़ करने की वजह से बहुत फास्ट हो जाती है। तो कंपाइलर जो है हमारा JVM, बेसिकली जो हमारी जावा वर्चुअल मशीन है, वो इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों यूज़ करता है कोड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। जहाँ इंटरप्रेटर बेटर परफॉर्म करेगा वहाँ इंटरप्रेटर यूज़ करता है, और जहाँ जस्ट इन टाइम कंपाइलर बेटर परफॉर्म करेगा वहाँ जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज़ होता है। मैं आपको इस स्लाइड में आगे बताऊँगा कि ये कैसे होता है। ऑब्वियसली जावा हमारी एक हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसमें गार्बेज कलेक्शन या मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन हमें खुद नहीं करना होता, यानी प्रोग्रामर को खुद नहीं करना होता है। जावा इसे खुद ही मैनेज करती है ऑटोमेटिकली। मल्टी थ्रेडेड जावा के जितने भी कोड हैं, जितने भी मेथड एग्जीक्यूशन है, वो मल्टी थ्रेडेड होते हैं। मैं आपको किसी वीडियो में डेडिकेटेड मल्टी थ्रेडेड समझाऊँगा मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। स्केलेबिलिटी, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। स्केलेबिलिटी यानी आप जावा से मेन फ्रेम प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए भी, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो है ही, और काफ़ी सारी डिवाइसेस में ये यूज़ होती है। आप शुरुआत में से सेट टॉप बॉक्सेस और कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ किया गया, तो डेफिनेटली स्केलेबिलिटी तो जावा में है ही। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको सारी चीज़ें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही करनी होती है। आप कोई भी मेथड या फील्ड या कोई भी एट्रीब्यूट क्लासेस या ऑब्जेक्ट सिनेरियो के बाहर नहीं बना सकते हैं। What Java can do? Basically what we can do with Java is we can develop Android application, that is for sure। Android जो है पूरा का पूरा Java पे प्रोग्राम किया जाता है। आप Android, Kotlin और कई प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हैं, बट वाइडली जो यूज़ होता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट वो जावा में ही होता है। आप स्टैंड अलोन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आप एक जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कई सारे जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे बनते हैं, तो वो आप जावा के थ्रू बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट जो होती हैं, सर्वर एंड प्रोग्रामिंग जब हमें करनी होती है तो हम जावा के थ्रू कर सकते हैं। सर्वलेट, हाइबरनेट, बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर, आप सर्वर साइड एप्लीकेशन भी जावा के थ्रू राइट कर सकते हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज. ऑब्वियसली वीडियो गेम्स भी हमारे जावा के थ्रू डिज़ाइन किए जाते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी जावा में की जा सकती है. सो दीज आर द थिंग्स वी कैन डू विद जावा प्रोग्रामिंग. तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको स्लाइड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कंप्यूटर जो है ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ सकता है. आइदर इट इज़ इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश और फ्रेंच, एनी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता है. कंप्यूटर समझता है सिर्फ डिजिट्स 1 और 0, बाइनरी नंबर्स. तो अगर कोई ह्यूमन इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो कंप्यूटर इज़ नॉट गोइंग टू गेट दैट इंस्ट्रक्शंस. तो उसे समझ में आते हैं सिर्फ डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स, या जैसे हम लोग बाइनरी कोड या मशीन कोड भी कहते हैं. तो यहाँ पे देखिए जावा, या मैं यहाँ पे एक सी प्रोग्राम की बात करूँ जो कि एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, या किसी भी प्रोग्रामिंग की बात करें, सो वी नीड अ ट्रांसलेटर. अब ट्रांसलेटर दो तरह के होते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. दोनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है. कंपाइलर एट वंस पूरा का पूरा कोड कंपाइल करता है, और इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है. तो जैसे सी प्रोग्राम जो है, सपोज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे और इंटेल प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे अगर आप एक सी प्रोग्राम लिखते हो और कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करके मशीन कोड जनरेट करते हो, तो वो मशीन कोड जो है कंप्यूटर से एग्जीक्यूट होगा, अंडरस्टैंडेबल है कंप्यूटर से, और वो आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा. बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि सी प्रोग्रामिंग का कोड आप EXE या जो एग्जीक्यूटेबल यूनिट है वो आप एक यूनिक्स या दूसरे प्रोसेसर आर्किटेक्चर पर चलाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ एरर आ जाएगी. तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाइलर है वो फिज़िकल मशीन पे है, और वो कंपाइलर जो है आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ही मशीन कोड जनरेट करता है. तो ये मशीन कोड जो अभी इस कंपाइलर ने जनरेट किया, सपोज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग किया है और इंटेल प्रोसेसर पे, तो आप इसे दूसरे OS या दूसरे प्रोसेसर पे रन नहीं कर सकते. इसी तरह जावा कंपाइलर का, सपोज़ यहाँ पे हमारे पास एक ये जावा कोड है, सोर्स कोड, आपके पास जावा कंपाइलर है, जावा सी जो कंपाइलर है ये सीधे मशीन कोड जनरेट ना करके ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, जैसे हम लोग बाइट कोड बोलते हैं, जो कि एक क्लास फाइल में .class एक्सटेंशन से सेव होता है. अब ये बाइट कोड मशीन एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ये इंटरमीडिएट कोड किसी भी मशीन, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बाइट कोड किसी फिजिकल मशीन से नहीं, एक वर्चुअल मशीन से इंटरप्रेट किया जाता है. ऑब्वियसली ये जावा वर्चुअल मशीन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और मैक OS के लिए डिफरेंट होती है, बट दैट JVM कैन रन सेम बाइट कोड इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. यानी विंडोज़ पे अगर ये क्लास फाइल बनाई गई है तो ये क्लास फाइल लिनक्स या macOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन कर सकती है. तो JVM जो है हमारा इंटरप्रेटर और जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज़ करता है फॉर ये दो ट्रांसलेटर इसीलिए यूज़ करता है ताकि ऑप्टिमाइजेशन उसमें किया जा सके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. तो ये JVM जो है मशीन कोड जनरेट करता है और मशीन प्रोग्राम को, उस कोड को अंडरस्टैंड करके आपका आउटपुट जनरेट करती है. तो जावा जो है, जावा का कोड हमको करने के लिए हमें जावा डेवलपमेंट किट चाहिए होता है. तो JDK आपको क्या प्रोवाइड करता है? तो JDK इज़ ए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन एप्लेट्स कंपोनेंट्स यूजिंग द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो JDK क्या है? हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जैसे आप Oracle की वेबसाइट पे से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ओनर है जावा का, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है हमारा, और एप्लीकेशन एप्लेट या किसी भी तरह की आपको जावा प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको JDK की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप विंडोज़, लिनक्स या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. JDK इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइदर वन ऑफ जावा प्लेटफॉर्म, स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन और मैक्रो एडिशन. ये आप किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए, आपको स्टैंडर्ड एडिशन है, आपको स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग करनी है, स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस हैं तो आप स्टैंडर्ड एडिशन डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपको एंटरप्राइज या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए जावा प्रोग्रामिंग करनी है तो आप एंटरप्राइज एडिशन यूज़ कर सकते हैं. तो हम इस कोर्स में जावा का 14 जो वर्ज़न है, स्टेबल वर्ज़न है अभी 2020 में, उसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में थ्रू आउट. तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊँगा आप कैसे डाउनलोड और कन्फिगर करेंगे. तो इस कोर्स में हम लोग कौन सा आईडी यूज़ करने वाले हैं, आप इनमें से कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एडिटर इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ नोटपैड, इस वेरी वेरी बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, बट बीच बीच में मैं आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन बाकी सारे एडिटर्स में भी बताता रहूँगा। तो गाइस, ये जावा का छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने आपको उसकी हिस्ट्री, आप जावा से क्या कर सकते हैं और जावा के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो उसे बाकी सी या C++ जैसी लैंग्वेजेस से अलग और बेटर बनाते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे जावा ऑरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड करके और अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर कन्फिगर कर सकते हैं। बाद में हम उसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।